IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन खरीदने का आज और कल अंतिम मौका, और ये मौका चुकना नहीं दोस्तों। जिसने आज 3 बजे से पहले IRFC खरीद लिया, समझ लीजिए कि एक अच्छा प्राइस पे उसको मिल गया, और कल भी एक थोड़ा हल्का मौका ज़रूर मिलेगा। अगर आप ख़रीदने की कैपेसिटी है तो आप ज़रूर इसको ख़रीद कर रख सकते हैं। ये मौका दे रहा दोस्तों, फिर मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका मिलेगा फिर आपको 1 साल बाद ही मिलेगा। और 1 साल के अंदर जितना भी नीचे अगर जिस प्राइस पर ख़रीदते हैं, सपोज डेट एक अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको 71 रुपया 45 पैसा, ठीक है, ये टाइम है आपको टाइम भी बता दूं मैं, ये 9 अक्टूबर 1:29 लगभग 1:40 पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और ये मौका आपको नहीं मिलेगा। 3 बजे से पहले जो IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ख़रीद लिया, समझ लीजिए कि एक अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक जो है आप देखिए यहाँ पे ये मौका दे रहा है दोस्तों, ये जब भी ये मौका दे रहा है, देख पूरा इतिहास इसकी देख लीजिए, जब भी ये हाई बनाया है तो थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। मैं थोड़ा सा इसको लेवल कम कर दूँ, हाँ, जब भी ये हाई बनाया है, यहाँ देखिए हाई बनाया और थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऊपर हाई बनाया, फिर ये थोड़ा लंबा गैपिंग दिया, ठीक है, फिर हाई बनाया, फिर ये आया कर्व हुआ, फिर ये हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, और फिर हाई बनाया था नीचे आया। अब इसके मौका जो है अब ये लंबा थोड़ा चलेगा, और ये एक बार आपको 3 साल पूरा होते ही IRFC में जो आपको बेनिफिट होने वाला है आपने सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही साथ OFS ऑफर फॉर सेल जब इसकी फाइनल हो जाती है 14 लाख शेयर की, तो ये समझ लीजिए कि एक अच्छा मौका और फिर दोबारा मिलेगा, और वो उस मौका का इंतज़ार कीजिए, पैसा थोड़ा बहुत रखे रहिए। हर गिरावट में IRFC अभी देखिए देखते देखते 5 पैसा 10 पैसा बढ़ गया, और ये बढ़ने का सिलसिला चालू रहेगा, क्योंकि ये जो बेचने वाले थे बेच के चले गए। अब जो है अब ये गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो आप समझ नहीं पाएंगे, जो बेच कर जाएंगे वो फिर अपर सर्किट लगाना है, और 100% अपर सर्किट जब लगाएगा तो ये मौका नहीं देगा। और ये मौका सीधे आपको मैं बता दूं, 2027 तक अगर रख लिए 300 के पार आपको मिलेगा, 27 मतलब कि 3 साल, 3 साल रख लिए, 3 साल हो गया। अब इस प्राइस पे देखिए 3 साल में कितना दिया, मान लीजिए 25 रुपये के हिसाब से गए तो 92 तक गया था, तो 230% के प्रॉफिट आसपास दिया। अगर जिस प्राइस में अगर मान लीजिए कि अभी 71 रुपये का प्राइस है, मान लीजिए ये लो अभी 45 पैसा हो गया, तो ये आपको 71 रुपये का प्राइस है तो 200% कितना हो गया, 2.5 2 4 और 7 14 174 100 रुपये का बेनिफिट कम से कम एक स्टॉक पे आपको होने वाला है। अगर आपको और दूसरी बात डिविडेंड दे दिया और बोनस दे दिया तो फिर कहने का क्या है। और ये इसका चांस इसलिए है बढ़िया कि ये आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि रेल विकास निगम लिमिटेड जो वंदे भारत ट्रेन है, जो तेजस ट्रेन अभी चलने वाली है, जो बुलेट ट्रेनें चलने वाली है, उसमें जो RBNL इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा, IRCON इंटरनेशनल भी करेगा, तो ये फाइनेंस करने कौन सा करने वाला है, तो इस सभी बेस जुड़ा हुआ IRFC पे, इसलिए IRFC इज़ द बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थैंक यू जो ले लिया आज माला माल आने वाला समय में दिखेगा। लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन टू मी, एंड थैंक यू फॉर टू ऑल ऑफ यू माई हेयरस्ट फ्रेंड सब्सक्राइबर व्यूअर, सभी दोस्तों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप के चलते आज 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे हुए। और इसका सबसे बड़ा योगदान है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में, इसको भी बहुत बहुत थैंक यू, यूट्यूब को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को थैंक यू। लाइक कर दीजिए दोस्तों।